दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जागृति कंप्यूटर में। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं MS Access के अंदर किस तरह से हम लोग डेटा एंट्री वर्क करते हैं, यानी हम डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाएंगे। इसलिए आपको विंडो की प्लस R का यूज करना है और यहाँ पे आप लिखेंगे MS Access। तो दोस्तों यहां से हम लोग MS Access टाइप कर देंगे रन पर और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों हमारा MS Access प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है ना दोस्तों, यहां पर एक बहुत सारे लेआउट्स मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे डेटाबेसेस मिलेंगे। आपको क्या करना है ना दोस्तों, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस नेम। आपको क्या करना है दोस्तों, अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे बनाना है दोस्तों एक स्टूडेंट्स का डेटा, तो मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों स्टूडेंट डेटा। अब यहां पे दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन आता है लोकेशन का, आप यहां से अपनी लोकेशन सेट कर दीजिए कि आपको अपनी फाइल कहां सेव करनी है। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं दोस्तों, हम लोग ओके करेंगे और यहां से कर देंगे क्रिएट। क्रिएट करने के बाद हम लोग यहां से हमारा डेटाबेस बना लेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग डेटाबेस बनाएंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अपने डेटाबेस की हेडिंग टाइप कर दीजिए। आपको यहां पर दोस्तों क्लिक टू एड एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां क्लिक करके अपना एक डेटाबेस का हेडिंग क्रिएट कर देना है। जैसे कि मैं दोस्तों यहां पे लिख देता हूं नेम। दोस्तों ये हमने स्टूडेंट का नाम लिख दिया ओके करके, मैंने इसे दोस्तों शॉर्ट टेक्स्ट में दिखाया है। अब मैं लिख देता हूं दोस्तों यहां से फादर का नाम, ये भी मैं शॉर्ट टेक्स्ट में दिखा देता हूं फादर नेम। तो दोस्तों यहां पर हम फादर का नाम भी लिख देते हैं। अब दोस्तों हमें यहां पर एक कॉलम और चाहिए, जेंडर का रख लेते हैं दोस्तों। तो यहां से हम लेंगे लुकअप एंड रिलेशन, क्योंकि यहां से ड्रॉप डाउन बना सकते हैं हम लोग। तो लुकअप एंड रिलेशन ऑप्शन पर क्लिक करके आई विल टाइप वैल्यूज पे क्लिक करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां से हम अपनी वैल्यूज टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे मेल और यहां पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे फीमेल। अब ओके कर देंगे यहां से, मतलब नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। दोस्तों एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग टाइप कर देते हैं जेंडर। अब आप जेंडर लिख करके दोस्तों यहां से और अब फिनिश कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहां पर आपने इसे बना लिया। आप इस पे टेबल का नाम दे दीजिए दोस्तों अपना। मैं यहां लिख देता हूं इंस्टीट्यूट डेटा। तो दोस्तों ये मैंने इंस्टीट्यूट डेटा के नाम से एक फाइल बना दी, यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये हमारी टेबल का नाम आ गया। अब दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक और कॉलम बना देते हैं। हम लोग जो यहाँ पे कॉलम बनाएंगे वो बनाते हैं दोस्तों डेट ऑफ बर्थ का। तो हम लोग यहां से क्लिक करते हैं डेट एंड टाइम पे और यहां से DOB यानी डेट ऑफ बर्थ का भी कॉलम बना देते हैं। एक कॉलम और बना देते हैं दोस्तों यहां से हम लोग एड्रेस का। तो एड्रेस दोस्तों कई बार क्या होता है, एड्रेस बहुत बड़ा भी हम लोगों को लिखना पड़ सकता है। तो हम लोग यहां से ले लेंगे लॉन्ग टेक्स्ट, क्लिक करके दोस्तों यहां से लिख देंगे एड्रेस। अब एंटर कर देंगे दोस्तों। अब यहां पे एक और बना देते हैं दोस्तों हम लोग, यहां से शॉर्ट टेक्स्ट लेकर के दोस्तों बना देंगे हम लोग ईमेल का, देन एंटर कर देंगे दोस्तों। अब यहां पर एक फोन नंबर का भी बना देते हैं दोस्तों। तो फोन नंबर को दोस्तों हम लोग यहां से अभी शॉर्ट टेक्स्ट में दिखा देते हैं। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों, ये बताऊंगा मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में। अभी फिलहाल हम लोग यहां से शॉर्ट टेक्स्ट को फोन नंबर में दिखा देते हैं दोस्तों। मैंने यहां पे फोन नंबर दे दिया, अभी एंटर कर देंगे। तो देखेंगे दोस्तों यहां पे हमारी कुछ हेडिंग्स बन जाएंगी, आईडी, नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर। अब क्या करेंगे ना दोस्तों, कंट्रोल एस कर देंगे इसको एक बार अगेन। अब आपने यहां से अपने टेबल को कर देना है क्लोज। अब दोस्तों आपने टेबल क्लोज कर दिया। टेबल क्लोज करने के बाद दोस्तों अब आपको यहां से बनाना है इसका फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए आपको दोस्तों जाना है क्रिएट मेन्यू में और क्रिएट पर क्लिक करके दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यहां से फॉर्म डिजाइन। आपको दोस्तों फॉर्म डिजाइन ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही फॉर्म डिजाइन पर क्लिक करते हैं ना दोस्तों, आपके सामने कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों कई सारे ऑप्शन आपके सामने है। आपको यहां से डिजाइन मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन लेना है प्रॉपर्टी शीट, क्योंकि दोस्तों हमें वो टेबल को इस फॉर्म पे लेके आना है, इसलिए हमें प्रॉपर्टी शीट पर जाना है। प्रॉपर्टी शीट पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहां से आपका रिकॉर्ड सोर्स। दोस्तों रिकॉर्ड सोर्स जो होता है आपका फॉर्म के अंदर मिलता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ डिटेल्स पे क्लिक कर रहे होते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे सोर्स नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां से फॉर्म पर क्लिक करना है। आप जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए आपका रिकॉर्ड सोर्स मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से अपनी टेबल का नाम ले लेना है। दोस्तों मैंने टेबल का नाम क्या रखा था यहाँ पे, इंस्टीट्यूट डेटा। तो दोस्तों ये देखिए इंस्टीट्यूट डेटा हमने यहाँ पे दे दिया इसको सोर्स में। अब हम इसे बताएंगे कि हमें जितनी भी हेडिंग थी दोस्तों वो सारी यहां पे लेके आनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाना है और ये रही सारी फील्ड हमारी जो हमने इस टेबल में बनाई थी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां आईडी पर क्लिक कर दीजिए और शिफ्ट को होल्ड करके दोस्तों लास्ट वाली हेडिंग पर क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। अब आप माउस से यूं दबा करके होल्ड करके और यहां पर ड्रैग कर देंगे इस तरह से, तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म ड्रैग होके आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इससे बस
इसकी फॉर्मेटिंग करनी है सिलेक्ट करके दोस्तों, आप यहां से होम मेन्यू में जाके थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, कलर वगैरह आप यहां से जो चाहे वैसे कर सकते हैं। अब आप यहां से इसके थोड़े से ना यहां से इन हेडिंग्स को जो आप जहां से इनपुट करेंगे दोस्तों ये अपनी वैल्यूज को आप थोड़ा सा इनपुट वैल्यूज को बड़ा कर लीजिए ताकि हमारा डेटा यहां पे आ सके। अब यहां से भी दोस्तों हम लोग ऐसे ही करेंगे, इसे भी सिलेक्ट करके थोड़ी सी इनपुट वैल्यू बढ़ा देते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे ना दोस्तों, हम लोग जाएंगे सीधा डिजाइन मेन्यूज में, यहां पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा बटन का, ये रहा दोस्तों आपका बटन। बटन क्या करेगा दोस्तों, इसे यहां से परमिशन देगा डेटा को आगे एक्सेस करने के लिए, अलाउ करने के लिए। दोस्तों यहां से हम अपने डेटा को ऐड करेंगे, यानी जब हम आप एक एंट्री करेंगे यहां पे कोई, और एंट्री करने के बाद आपको सेकंड एंट्री करनी है तो इस बटन पे क्लिक करके आप सेकंड एंट्री कर सकते हैं। हमने इसे क्या करना है दोस्तों, इसके लिए हम लोग यहां से रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाएंगे और एड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, आपको यहां पे टेक्स्ट पे क्लिक करके दोस्तों एड न्यू रिकॉर्ड यहां लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूं दोस्तों एड न्यू रिकॉर्ड, अभी नेक्स्ट एंड अब फिनिश कर दिया, तो दोस्तों आपके सामने एक बटन यहां पे आ जाएगा, बस कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग वो आप अपने हिसाब से कर लेना, यहां से बस आप थोड़ा सा इसका फॉर्मेट कर सकते हैं, थोड़ा मैंने इसका फॉन्ट साइज वगैरह बड़ा कर दिया। तो दोस्तों ये आप यहां से ऐसे यूज कर लेंगे इसको। अब आपने क्या करना है, आप दोस्तों इसे ऊपर में नाम देना चाहते हैं तो आप एक काम करें दोस्तों, यहां से एक लेवल ले लीजिए और लेवल लगा करके दोस्तों यहां लिख दीजिए आप स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो दोस्तों मैंने यहां पे लिख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब दोस्तों स्टूडेंट रिकॉर्ड जो मैंने यहां पे लिखा, इसका थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, लाइक मैंने इसे बोल्ड कर लिया, कलर कर लिया, सेंटर कर लिया और यहां से इसका साइज बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे ना दोस्तों, यहां से हम लोग बोल्ड कर दिया और फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो भी दोस्तों आपको चाहिए वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है ना दोस्तों, ये आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड एक पूरा रेडी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको कंट्रोल एस कर दीजिए, कंट्रोल एस करके दोस्तों आप यहां पे फॉर्म का नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पे स्टूडेंट्स। अब दोस्तों आप इसे ओके कर दीजिए और यहां से कर दीजिए क्लोज। अब आप दोस्तों देख सकते हैं आपके पास दो चीजें आ चुकी है, एक टेबल आ गया है आपका और एक आपका आ गया है यहां से स्टूडेंट्स फॉर्म। अब आप स्टूडेंट फॉर्म ओपन करेंगे दोस्तों तो आपका स्टूडेंट फॉर्म यहां पे डबल क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। अब आप इसके अंदर अपना कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पे, मैंने लिख दिया यहां पे राम और यहां पे लिख दिया फादर का नाम मिस्टर संजय, ऐसे लिख देते हैं दोस्तों। यहां से हमने इसे जेंडर बता दिया मेल और यहां से बता देंगे दोस्तों इसको डेट ऑफ बर्थ, इधर से सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ये आप ईयर चेंज कर सकते हैं दोस्तों यहां से, मैं अभी फिलहाल ऐसे दे देता हूं, ये मैंने ईयर डाल दिया। एड्रेस डाल देंगे दोस्तों यहां से न्यू दिल्ली, जो भी आप यहां पे एड्रेस डालना चाहें दोस्तों डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डाल देंगे दोस्तों यहां पे, मैंने लिख दिया यहां पे ram123@gmail.com और फोन नंबर दोस्तों यहां से आप फोन नंबर भी डाल देंगे इसका, जो भी फोन नंबर आप चाहें दोस्तों डाल सकते हैं और यहां से ऐड रिकॉर्ड कर देंगे दोस्तों, आपका रिकॉर्ड यहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपने कंट्रोल एस करके आप अपनी टेबल में जब इसकी एंट्री देखेंगे आप यहां से डबल क्लिक कीजिए तो आपका डेटा जो आपने फॉर्म में एंटर किया था दोस्तों वो आपका टेबल में यहां चला गया होगा। देख लेते हैं दोस्तों एक बार, डबल क्लिक करेंगे इस पे और ये आपकी एंट्री यहां पे आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहां पे काम करते हैं एमएस एक्सेस के अंदर में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।